कि आपके खाते में भी जैसे दिल्ली में बहनों के खाते में 1000 रुपया एक माह का आ रहा है, पंजाब में भी शुरू करने की तैयारी है, यहाँ हरियाणा में भी आप सरकार बनाओ 18 साल से ऊपर हर बहन के खाते में, चाहे एक घर में 4 बहनें हैं, 2 बहनें या 3 महिलाएं हैं, हर एक के खाते में 1000 रुपया आएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि ये सारा कुछ आपको मिले तो आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी, उसके बाद समाप्त करूँगा। हमारे पंजाब में एक पुजारी था जो मंदिर में पूजा करता था, उसने लगातार 20 साल पूजा करी मंदिर में भगवान की। वो पूजा करता, निस्वार्थ पूजा करता रहा, सच्चा भगत था भगवान का। और उसके पास एक दिन मंदिर में कोई आदमी आया तो वो डिब्बा लेके आया लड्डू लेके, कि मैं भगवान के घर में लड्डुओं का डिब्बा चढ़ाने आया हूँ, मेरी लॉटरी लगी है 20 लाख की। तो जब उसने बताया कि मेरी 20 लाख की लॉटरी लगी है, तो वो पंडित पुजारी के मन में भी आया कि यार मैंने इतनी सेवा करी है भगवान की, मैं भी मांग लेता हूँ भगवान से कुछ। तो उस दिन से वो पुजारी मांगने लगा, हे भगवान मेरी भी लॉटरी लगा दो, हे भगवान मेरी भी लॉटरी लगा दो। 20 साल तो पहले सेवा करी, उसके बाद 1 साल लगातार पुजारी यही मांग करता रहा, भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, भगवान मेरी लॉटरी लगा दो। लेकिन उसकी लॉटरी नहीं लगी। जब लॉटरी नहीं ना लगी तो पुजारी दुखी हो गया। पुजारी ने मन बनाया कि मैं आपके बाद पूजा ही नहीं करूंगा, मैं भगवान आज के बाद आपकी पुजारी करना छोड़ दूंगा। तो वो छोड़ के घर में बैठ गया। वो सच्चा भगत था जो पुजारी था। जब वो बैठ गया तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ने पूछा, ए पुजारी, ओ भले मानस, और तूने इतना लंबा समा सेवा करी और तूने सेवा क्यों छोड़ दी? तो पुजारी बोला, भगवान मैंने आपकी 20-21 साल सेवा करी, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, निस्वार्थ मैं रात दिन आपकी सेवा करता रहा। जो लोग यहाँ पे आते थे उनको आपके बारे में आपके प्रवचन बताता रहा। तो मैंने तो एक ही मांग रखी है, एक लॉटरी लगा दो, तो आपने तो मेरी एक मांग भी नहीं पूरी की सारी जिंदगी में। तो भगवान बोले, ओ भले मानस, तू आदमी तो बिल्कुल सच्चा भगत है मेरा, लेकिन लॉटरी की मांग करता रहा, लॉटरी तो तूने डाली नहीं, लॉटरी डालता तो लॉटरी निकलती। उसी तरह आप लोग भी चाहते हो दिल्ली और पंजाब की तरह आपकी लॉटरी भी लगे, आपको बिजली का बिल ना आए, आपके बुजुर्गों का इलाज फ्री हो, बहनों का बसों का सफर फ्री हो, और आप बहनों के खाते 1000 रुपया हर महीने आए। लेकिन ये लॉटरी अगर चाहते हो निकले तो लॉटरी डालनी पड़ेगी। लॉटरी डालने का मतलब 5 तारीख को 4 नंबर बटन झाड़ू वाला दबाना पड़ेगा। लॉटरी डालोगे तो लॉटरी निकलेगी। चाहते हो ना लॉटरी निकले? हाथ खड़े करके बताओ। अगर चाहते हो लॉटरी निकले तो 5 तारीख को सुबह 8 बजे आप लोगों ने चौन चिन्ह झाड़ू 4 नंबर बटन को दबाना है, और पता चल जाए हरियाणा में जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस और एनएलओ वालों को कि इस बार जो कारवा है वो आम आदमी पार्टी के साथ में चल पड़ा है। और आम आदमी पार्टी है ना, जो ये जो मीडिया है, मैं सारे मीडिया की बात नहीं करता, मीडिया अच्छा भी है, कुछ चैनल जो मोदी के साथ मिले हुए हैं वो बताते हैं कि सर्वे में बीजेपी बीजेपी जैसे बता रहे थे कि लोकसभा में 400 पार आएंगे। और भाइयों और मेरी बहनों, अगर मीडिया ने ये प्रचार ना किया होता 400 पार का, तो बीजेपी की इस बार सरकार ना बनती, 10 सीटें उधर हो जाती तो बीजेपी गई। ये जो मीडिया ने गलत प्रचार किया उसके कारण इनकी थोड़ी सी टूटी फूटी लंगड़ी सरकार बनी। अगर मीडिया प्रचार ना करता तो बीजेपी की इस बार बारी नहीं थी लगती। उसी तरह हरियाणा वालों, जो इनके साथ मिला हुआ मीडिया है वही प्रचार कर रहा है, जो अच्छा मीडिया जे वाला मीडिया है, जे तो बता रहा है कि आम आदमी पार्टी आएगी, और जो उनके साथ मिले हुए हैं। और एक बार और बताएं, 2022 में और उससे पहले दिल्ली में सर्वे में दूसरी पार्टियां दिखा रहे थे, लेकिन सरकार किसकी बनी पंजाब और दिल्ली में? आम आदमी पार्टी की। वैसे ही सर्वे में चाहे जिसको मर्जी दिखाएं, हरियाणा में
आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। और देखिए, अरविंद केजरीवाल वो इंसान है जिन्होंने राजनीति की दिशा और दशा चेंज कर दी। मेरे जैसे आम घर के नौजवान को अगर MLA बनाया, उसके बाद मिनिस्टर बनाया, ये तभी संभव हो सका। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनाई उन्होंने, तभी आम घर के बेटे बेटियां मंत्री, MLA, मुख्यमंत्री, चेयरमैन के पद पे बैठे। और भाइयों और बहनों, आपको ये भी बताता हूँ कि जो रवायती पार्टियां हैं, कांग्रेस, अकाली, BJP, JJP, ये तो उन लोगों को टिकट देते हैं MLA की, MP की, जिनके पास या तो हजारों करोड़ रुपए हैं या जिनके बाप दादा MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री रहे हैं। और आम आदमी पार्टी उसको टिकट देती है जो लोगों में रहता है, लोगों के काम करता है, लोगों का सेवादार बन के चलता है। जैसे रविंदर मटरू जी, अगर किसी को जरूरत हो तो ये जो चाहे, किसी का घर बनने वाला है तो घर बनाने के लिए मदद कर देते हैं, किसी की गरीब की बेटी की शादी है तो इन्होंने गरीबों की बेटियों की शादियां भी करवाई हैं। और की और, अगर किसी की आंख बनवाने वाली है, मोतिया उतर आता है, तो इन्होंने अब तक हजारों ऑपरेट कराए हैं अपनी विधानसभा में, जिन लोगों को जरूरत होती है ये मेरा भाई काम आता है। और आम आदमी पार्टी किसको टिकट देती है, किसको MLA बनाती है, जो लोगों का सेवादार बन के चलता है। और जो रवायती पार्टियां हैं वो लोग जीत के उसके बाद नहीं मिलते, उनका तो बाद में काम होता है, बड़ी गाड़ी, उसके काले शीशे और काली ऐनक जब हम लोग बुलाते हैं ना, तो फिर वो ये शो करते, मैंने तो देखा नहीं, सीधे ही निकल जाते हैं। इस बार इनको दिखा दो कि अगर आप लोगों ने गाड़ियों के काले शीशे करके, काली ऐनक लगा के हमको इग्नोर किया है, तो इस बार हम भी आपको इग्नोर करेंगे। हम तो रविंदर मटरू के साथ चलेंगे, रविंदर मटरू और अरविंद केजरीवाल को वोट करेंगे। और भाइयों और बहनों, अरविंद केजरीवाल वो तो हरियाणा के बेटे हैं, आप लोगों का तो फर्ज बनता है अरविंद केजरीवाल को वोट करें, अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करें। देखिए, दिल्ली वालों ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, अब चौथी बार रिपीट होने की बारी है। इस बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी आएगी, और उसके बाद केजरीवाल जी को प्यार दिया पंजाब वालों ने, और अब बारी है हरियाणा वालों की। हरियाणा वालों, जिधर को पंजाब चलता फिर उधर को ही हरियाणा चलता है। कर दो कृपा सारे राल मिलके, वाहेगुरु की कृपा हो जानी है। आप लोग सभी जो दिन रह गए हैं, करीब 15-17 दिन रह गए हैं इलेक्शन को, आप सभी से यही मेरा निवेदन है कि आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके समधी हैं, सभी से विनती करो कि हमने ठान लिया कि इस बार आम आदमी पार्टी को लेके आएंगे, इस बार रविंदर मटरू जी के हक में खड़ेंगे। इनकी कामयाबी है जो वो जहाँ पे बैठे, एक एक मेरे भाई की, एक एक बुजुर्ग की, एक एक मेरी बहन की और एक एक माँ की, और आपके आने वाले बच्चों के भविष्य की कामयाबी है। अगर आप चाहते हो कि जैसे पंजाब और दिल्ली में लाखों नौकरियां मिली हैं दोनों स्टेट में, और उन बच्चों को मिली है जो गरीब घरों के बच्चे हैं, और कैसे मिली हैं, मेरिट के आधार पे, जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आए, नंबर ज़्यादा आए हैं, उनका टेस्ट लिया गया, उनका टेस्ट हुआ तो वो मेरिट में आए, उन बच्चों को भर्ती किया गया। और हमारे पंजाब में जब डाटा कलेक्ट किया गया, जब ये पता लगाया गया कि कौन से बच्चे किन घरों से हैं, तो 100 में से 70% जो बच्चे आए नौकरियों पे, वो मिडिल क्लास और गरीब घरों के बच्चे आए। तो उससे पहले, 22 से पहले जो नौकरियों पे आते थे वो 99% वो लोग होते थे या तो करोड़ों पति या किसी MLA, मंत्री या मुख्यमंत्री के रिश्तेदार। आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब में जो बच्चे बच्चियों को नौकरियां मिली हैं, वो मिली हैं गरीब और मिडिल क्लास लोगों के बच्चों को, और ना कोई मंत्री, ना MLA, ना मुख्यमंत्री की सिफारिश चली है। अब मेरे बड़े भाई, दिल तो बहुत करता था कि आपके साथ पंजाब के बारे में, दिल्ली के बारे में और बातें करूं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता, क्योंकि बड़े भाई संजय सिंह जी के, जिनके अनमूल्य विचार सुनने के लिए आप लोग लगभग 2-3 घंटे से बैठे हो, आप इनको प्यार करते हो,
आपने इनको दिल में बिठाया हुआ है। ये हमारी आन बान शान संजय सिंह जी आपके बीच आएंगे और मैं आपसे सभी से इजाजत लेता हूँ, अगर कोई अक्षर किसी की शान के खिलाफ बोला गया हो तो माफ करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी भाइयों और बहनों को राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। धन्यवाद जी।